अब वर्टिकल इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ 4.00 इंटू 10^5 न्यूटन पर कूलम बैलेंसेस अ वाटर ड्रॉप ऑफ मास 1.00 इंटू 10^-4 किलोग्राम। फाइंड द चार्ज ऑन द ड्रॉप। ओके, तो बच्चों हमसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि इतनी इलेक्ट्रिक फील्ड में इस मास का एक चार्ज बैलेंस होता है। बच्चों आपको पता है कि अगर कोई क्यू चार्ज है जिसका मास m है तो उसका वेट mg तो हमेशा कहाँ लगना है बच्चों, नीचे की तरफ। अगर इस ड्रॉप को एयर में बैलेंस करना है तो सीधी सी बात यह है कि जितना वेट लग रहा है इसको कैंसिल करना पड़ेगा। तो अगर ये पॉजिटिव चार्ज सपोज कर लूँ मैं, तो इस पर एक ऐसी इलेक्ट्रिक फील्ड हमको लगानी होगी जो कि इस वेट के अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फोर्स प्रोड्यूस करते हैं। क्यों? क्योंकि भाई बैलेंस होने के लिए क्या जरूरी है कि वेट इस ड्रॉप को नीचे लाएगा, ये जो भी मास है इसको नीचे लाएगा, तो इसके अगेंस्ट कोई ऐसा फोर्स लगा दे जो इस वेट को ख़त्म कर दे, तो ये ऐसे हवा में लटकी रहेगी। अब अगर ई इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करोगे तो इस पर फोर्स कितना लगेगा बच्चों, क्यू वी। फोर्स कितना लगता है? क्यू वी। और पॉजिटिव चार्ज पे फोर्स हमेशा इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड लगता है, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लगानी पड़ेगी? ऊपर की तरफ, अगर ये प्लस चार्ज हुआ तो क्यू वी और एम जी अगर ये दोनों बराबर हो गए तो ये ड्रॉप क्या होगी? एयर में बैलेंस हो जाएगी। इसका मतलब लिखेंगे फॉर बैलेंसिंग ऑफ ड्रॉप इन एयर। एयर में बैलेंस करने के लिए क्या होना पड़ेगा? एम जी इक्वल टू क्यू वी। हमें बच्चों यहाँ पे क्या करना है? क्यू फाइंड करना है। तो क्यू बराबर क्या जाएगा? एम जी अपान ई। ई की वैल्यू पुट कर दो भाई, एम पहले रखो 1.00 10^-4, जी 10 अपान ई। ई की वैल्यू 4.00 इंटू 10^5। इसको सॉल्व करोगे बच्चों कितना आएगा? 0.25 इंटू 10^5, देखो 5 है ऊपर जाएगा -5 आएगा, तो -4 -5 कितना हो जाएगा? -9, और एक पावर कम होगी ये 10 से, तो 10^-8। यानी q इज इक्वल टू हो गया 2.5 इंटू 10^5, तो 10^5 कितना आ जाएगा बच्चों? ये आ जाएगा -9 कूलाम। तो आंसर आ गया 2.5 इंटू 10^-9 कूलाम। इसको फटाफट नोट कर लीजिए बच्चों, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। थैंक यू।